इस वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला दिखाऊंगा जो तुमने देखा होगा मगर उसको जाना कभी नहीं होगा। अगर जान लेते तो कम से कम 12 से 15 डेरिवेशन खत्म हो जाते। तो बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, नजर बदलते हैं, नजारे बदलते हैं और वर्क डन का ये फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले ले लो तुम बाबा जी से बूटी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बूटी सेक्शन में भाई सिर्फ इतना कहना है बाबा जी को कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ से तुम दो इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट वैसी निकाल सकते हो। एक तो जो ग्राफ है वो तो है ही है, उसके अलावा दो इंफॉर्मेशन क्या निकलेंगी? तो एक निकलती है स्लोप, जिसके बारे में फिर कभी बात करूंगा, दूसरा निकलता है एरिया, और मेरे लिए एरिया का मतलब प्रोडक्ट है। एरिया का मतलब प्रोडक्ट, मतलब यार बाबा जी बात समझ नहीं आ रही आपकी, समझ लेते हैं ना यार। तो जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पर है, जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर है, उन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर दो, वो उस ग्राफ का एरिया देगा। जैसे अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाता हूं तो इसका एरिया क्या देने वाला है? एक साइड है फोर्स, दूसरी साइड है डिस्प्लेसमेंट, तो इस ग्राफ का एरिया मिलेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किस्मत से, वो होता है वर्क डन। तो भाई मुझे पता चल गया कि जब भी मैं कभी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, उसके एरिया से वर्क डन मिलने वाला है। तो ये था तुम्हारे लिए बूटी सेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं यहां वेलोसिटी है, यहां टाइम है, क्या मिलेगा एरिया? वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट्स इट। अगर मैं आपसे कहूं यहां आपके पास एक्सेलरेशन है, यहां पर आपके पास टाइम है, इसका एरिया क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन इंटू टाइम, वेलोसिटी। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर प्रेशर है, यहां पर वॉल्यूम है, तो क्या मिलेगा इसका एरिया? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो, सिर्फ इतना समझो कि जब भी कभी ग्राफ दिया हो और उससे अगर कोई क्वांटिटी निकालनी है तो क्या मिलेगी? तो एक क्वांटिटी तो मिल सकती है एरिया, और एरिया मतलब क्या? प्रोडक्ट। बोल लो जरा एक बार जरा जल्दी से, एरिया मतलब प्रोडक्ट। दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट लिखी हो तो और अच्छा, मल्टीप्लाई कर लो, देख लो फाइनल यूनिट क्या आ रही है, वो मिलने वाला है तुम्हें। तो यार ये तो हुआ अपने पास एक ट्रीटमेंट बूटी सेक्शन का। प्लस यहां से तुम्हारे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत बनते हैं और प्रीवियस इयर्स में आए भी हैं। तो ध्यान से, अगर प्लस है तो प्लस वर्क, नेगेटिव एरिया जा रहा है नीचे साइड पर जा रहा है तो नेगेटिव लेके भाई टोटल सम कर देना, प्लस को प्लस लेके माइनस को माइनस लेकर। कोई भी जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकाल दो। ऐसे ही कोई भी आपके पास ग्राफ हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, उसका एरिया निकालते चले जाओ, तुम्हारे पास वर्क डन निकलता चला जाएगा। है ना, क्लियर हो गई बात? तो यार ये बहुत मजेदार था। अब इसका यूज करके वो टिपिकल सी चीज जो स्कूल में जब दिखाते हैं ना, अरे यार ये वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन है। अरे क्या वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन है? मतलब तुम मेरी भावनाएं समझ गए हो, मैं थोड़ा सा सोशल प्लेटफॉर्म पर हूँ इसलिए वो वर्ड्स यूज नहीं कर सकता, बट बाकी कनेक्शन अपना पूरा है ना। तो यार एक्चुअली में जो चीज़ इतनी आसान है उस आसान को इतना टिपिकल क्यों दिखाते हैं? भाई मुझसे कहा गया वेरिएबल फोर्स है, भाई वर्ड पकड़ लो यार वेरिएबल। भाई अगर मैं किसी को 2 न्यूटन से फोर्स लगा रहा हूं तो क्या बदल रहा है? वो नहीं बदल रहा, कांस्टेंट है। बट कंटिन्यूअसली अगर कोई एक दोस्त था पुश कर रहा था, फिर उसके साथ दूसरे ने भी लगा दिया, फिर तीसरे ने भी लगा दिया, फिर चौथे ने भी लगा दिया, समझ में आ रहा है? वो वेरिएबल है भाई, बदलता जा रहा है, जो चीज बदलती जा रही है वो वेरिएबल है। तो देखो ये फोर्स कंटिन्यूअसली बदल रहा है भाई, कांस्टेंट ऐसा होता ना एक ही वैल्यू रखता, बट ये कंटिन्यूअसली बदल रहा है। एक चीज जरूरी नहीं है ऐसा बनाओ, तुम भाई ऐसा बना देना, पैराबोला बना देना, ऐसी लाइन बना देना, कुछ भी बना देना, बस वो बदलना चाहिए, कांस्टेंट ना हो। तो कोई जरूरी नहीं है वो टीचर को देख के अपन क्लास में ना ऐसे बना रहे होते, अच्छा सर ने ऐसा बनाया है, अच्छा 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 ऐसे ही बनाते ऐसा, अरे यार ये सर वाला तो थोड़ा इधर चला था तो मेरा उधर चला गया। अरे इतना क्या सोचना यार, बस वेरिएबल है, जैसा बनाना है बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। बाबा जी ने बोल दिया ना बनाओ तो बना लेना। अब अपन देखें, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है,
कोई चीज बदल रही है तो उस केस में जब भी कोई वेरिएबल हो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, हमारे लिए बहुत बड़े एरिया में बात कर पाना मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, चीजों को छोटा करते हैं। और कैलकुलस पिक्चर में आती है जब जब, कैलकुलस मतलब डरना नहीं है, बायो वालों डरना नहीं है, मैथ्स वाले तो डरते हैं नहीं क्योंकि उनको अभी 11th में 12th में पढ़ना ही है वो, है ना। बट 11th में अगर हो और दिक्कत है तो टेंशन मतलब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन की बातें करने वाले हैं अपन, ठीक है। अब अगर यहां देखो, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने कहा भाई मैं बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि इस रीजन के लिए तो मैं अपने फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं, मैं अगर पूरा लूंगा तो मैं क्या वैल्यू लूंगा फोर्स की, तो इसीलिए मैंने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया। उसके केस में मैंने मान लिया कि फोर्स जो था वो एफ था। अब फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा लेट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी बाय बाय डिस्टेंस dr, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, बाय डिस्प्लेसमेंट dr, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा डिस्प्लेसमेंट, इनफैक्ट मैं करेक्ट करता हूं, बाय डिस्प्लेसमेंट dr इज dw, तो dw क्या हो जाएगा f डॉट dr। पहले क्या था, f डॉट डिस्प्लेसमेंट था, अब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है तो ये हो गया f डॉट dr, और वर्क डन भी बहुत छोटा है तो इसीलिए उसको लिख दिया dw। d लगाने का मतलब क्या, बहुत छोटा, डी लगाने का मतलब क्या, बहुत छोटा। और ये जो डी है, जब तुम इसको इंटीग्रेट करते हो ये छोटे से एलिमेंट को, तो वहां पर वो बन जाता है कैपिटल डब्ल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, x, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है, t, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो जाएगा, w। जब भी छोटी सी चीज हो बड़ा बनाना है, मैथ्स ने अपने लिए हेल्पिंग टूल दे दिया, भाई इंटीग्रेट कर दो, ऐसा सांप माप जैसा कुछ कुछ बना लेते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेशन कहते हैं अपन, तो ये इंटीग्रेशन बना दिया, इंटीग्रेशन का dw हो गया अपने पास w, f डॉट dr, भैया r1 अगर आपकी इनिशियल लिमिट है, r2 फाइनल है, लगा दो लिमिट, आंसर आ जाएगा। अब जो मैं तुमसे कह रहा था, ये डेरिवेशन जो है आपके लिए काम का क्यों है, ये फॉर्मूला काम का क्यों है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी आर इंटीग्रेशन। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूं स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, तो तुम क्या कहने वाले हो मुझे, सर स्प्रिंग के लिए बस फोर्स बता दो मुझे, तो स्प्रिंग का फोर्स होता है kx, इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं अपन, तो भाई मैं बस यहां पे kx रख दूंगा, x अगर डिस्टेंस ले रहा हूं तो इसको dx लिख दूंगा, तो मेरे पास उसका डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने मुझसे कहा कि सर मुझे तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वर्क एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मैं वो फोर्स रखूंगा, वो 1/4πε0Q1Q2R2, मेरी बात को टेंशन नहीं लेने का। जैसे मैं आपसे कहता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, याद करो ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ लिया है प्लेज में, उसमें आप यहां पर फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन वाला रख दोगे, gm1m2r2 इंटू डी आर, कहानी खत्म। आज के बाद जब भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैं कोट करता रहूंगा, फॉर्मूला चाहिए तुम्हें, वर्क डन का एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, कहानी खत्म। ये बात थोड़ा सा टाइम लेके घुसेगी दिमाग में, मगर आ जाएगी, और एक बार आ गई ना तो सारी चीजें जो इतनी अलग अलग दिख रही है ना, वो इतनी सी हो जाएंगी। तो पहले जल्दी से तुम ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं बात आगे। यार शॉर्ट में बहुत सारी बातें कर लो तो लोगों को लगता है कि बाबा जी ये सही है क्या, अरे भाई ये सही है, बस किसी ने कोशिश नहीं करी, सब अपनी दुकानें चला रहे थे। अपन ने कहा भाई दुकानें बंद करो, कॉन्सेप्ट पे बात करो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि कोई है जो तुम्हारे साथ है और साथ रहेगा, ये उनको भी बता दो जिनको बहुत जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हो।